साधना वो जिस जमाने के बॉस ने परी थी, जिन्होंने अपनी कुशलता के दम पर ढेर सारी फिल्में की थी और उन फिल्मों में बखूबी उतरते हुए इन्होंने एक सफल अभिनेत्री बनने का सपना पूरा किया था। तभी तो आज इनके ना होने के बाद भी लोग इनकी फिल्में देखना खूब पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप स्वर्गीय अभिनेत्री साधना के सफल करियर के बारे में तो सब अच्छे से जानते हैं, पर क्या आप इनकी आखिरी जर्नी के बारे में जानते हैं कि कब कैसे इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा है? आखिरकार ऐसा क्या हुआ है इन्हें कि ये सबको छोड़कर चली गई, जिसके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पुराने की मशहूर अभिनेत्री साधना का जन्म कराची में हुआ था, पर जब ये 7 साल की थी तब पाकिस्तान में हुए विभाजन के बाद ये अपने परिवार के साथ बॉम्बे भारत आ गई थी, जहां अच्छे से पढ़ लिख कर ये स्पष्ट रूप से भविष्य में एक फिल्म अभिनेत्री बनने के लिए अत्यधिक प्रेरित थी, जिसकी शुरुआत इन्होंने छोटे मोटे विज्ञापनों से की थी, जिसमें इनकी तस्वीर छपने के बाद एक फिल्म निर्माता की नजर इन पर पड़ी, जिन्होंने इन्हें अपने संपर्क में लिया और काफी छोटी उम्र में ही अपनी एक फिल्म पकड़ा दी थी। बता दें, साधना जी ने 1958 में भारत की पहली सिंधी फिल्म अबाना में काम किया था, जिसमें इनकी कुशलता को देखकर फिल्मों में डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि इन्हें और भी कई सारी ढेर सारी फिल्में ऑफर हुई थी, जिसमें आरजू, वक्त और मेरे महबूब जैसी फिल्में शामिल थी। इस तरह देखते ही बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्री बन गई थी, जिनका अभिनय करियर 1960 और 1981 के बीच फैला था और इस वक्त ये सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी। लेकिन अगर बात करें इनकी आखिरी जर्नी की, तो साल 1995 में पति नय्यर के निधन के बाद ये बिल्कुल अकेले रह गई थी। बुढ़ापे में इन्हें सहारा देने वाली इनकी कोई संतान भी नहीं थी। फिर अचानक ही इन्हें बीमारियों ने जकड़ लिया था, जिन्हें थायराइड की गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से इन्हें एक्टिंग में भी तकलीफ होने लगी, जिसके इलाज के लिए इन्होंने फिल्मों से कुछ वक्त का ब्रेक ले लिया था। फिर धीरे धीरे थायराइड की वजह से इनकी आंखों में भी परेशानी बढ़ गई और एक वक्त वो आया जब इन्होंने पब्लिक इवेंट फंक्शन में जाना और फोटो तक खिंचवाना बंद कर दिया था। बता दें, अपने अंतिम दिनों में भी साधना गुमनामी की जिंदगी जी रही थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे समय के साथ ये ढलती गई, लेकिन एक दिन जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई हारते हुए इन्होंने 75 साल की उम्र में 25 दिसंबर 2015 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। वेल दोस्तों, क्या आप साधना जी को भूल पाए? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।